स्टूडेंट्स अलैकुम जी, क्या हाल चाल है? तलहा अहमद हेयर, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम बैक कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इंटरमीडिएट के एग्जाम्स आने वाले हैं, ए लेवल के एग्जाम्स आने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बैक को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और सीए के बारे में बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये कहा कि हम आपके साथ शेयर करते हैं वो टॉप 5 मिसकंसेप्शंस अबाउट सीए जो हमने सुने हैं स्टूडेंट्स में, जिस पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, और उनके आंसर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला जी मिसकंसेप्शन जो हमने सुना है वो है कि जी सीए इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू। सबसे पहले जी कि जी सीए जो है होता ही नहीं है, कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सीए को जो पास करने के लिए एक कोई क्राइटेरिया है, एक कोटा है, और इस कोटा से ऊपर जो है सीए के स्टूडेंट्स पास नहीं होते। दिस इज जी एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। ये एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि कोई कोटा है या इसको पास करना इम्पॉसिबल है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये टोटली एक मिथ है, ठीक है जी। हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पास कर लेते हैं, बड़े आराम से पास कर लेते हैं। देर आर सम स्टूडेंट्स हु कैन नॉट पास दी एग्जाम्स। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो स्टूडेंट्स पास करते हैं वो किसी कोटा सिस्टम की वजह से करते हैं या किसी और रैंडम लक की वजह से करते हैं। उन स्टूडेंट्स के पास एक स्ट्रेटजी होती है। आप अगर वो स्ट्रेटजी अपना लें तो आप भी पास कर सकते हैं। वो स्ट्रेटजी क्या होती है कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये जी अपनी अटेंडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, रेगुलर अटेंडेंस करते हैं क्लास के अंदर। दूसरा जी, ये क्लास टेस्ट के अंदर जो बैक के क्लास टेस्ट हैं, बैक के जो मॉक एग्जाम्स हैं, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इनको वो सही तरह सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। और साथ जी वो सेल्फ स्टडी की रूटीन उन्होंने बनाई होती है। तो जी पहला मिथ कि जी कोई कोटा होगा, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली पास होने हैं इस साल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स पास होते हैं, बल्कि पिछले कुछ सालों में वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान क्वालिफाइंग। इन सारे स्टूडेंट्स से अगर आप कभी डिस्कस करें या रिसर्च करें, या आप किसी भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को या सीए स्टूडेंट को जानते हैं, आपको वो यही बताएंगे कि जी अगर आपकी अटेंडेंस रेगुलर है, आप कॉलेज के क्लास टेस्ट और मॉक दे रहे हैं, और आपने सेल्फ स्टडी थोड़ी सी की हुई है, वो कितनी की हुई है मैं ज़रा आगे उसके बारे में बताऊंगा भी इसी वीडियो के अंदर, तो यू विल बी एबल टू पास द एग्जाम। तो पहला जी द मिथ के सीए में कोई कोटा सिस्टम है, दैट इज नॉट ट्रू। अच्छा जी, मिथ नंबर टू जी, मिथ नंबर टू क्या है जी? के जी सीए करने के लिए आपको अकाउंटिंग बैकग्राउंड की बहुत जरूरत है। ऐसा भी नहीं है जी। अकाउंटिंग बैकग्राउंड हो जाए तो आपको थोड़ा बहुत एज मिलेगा, लेकिन सीए के अंदर अकाउंटिंग बैकग्राउंड होना नेसेसरी नहीं होता। बल्कि स्टूडेंट्स सारे जो सीए के सब्जेक्ट्स हैं, जब आपको पढ़ाए जाते हैं कॉलेज के अंदर पैक में, जब भी हम पढ़ाते हैं, हम इस तरह पढ़ाते हैं अज्यूमिंग कि आपने इससे पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। हम आपको अकाउंटिंग पढ़ाते हैं सीए में, हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है जी, आपको बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ाएंगे, आपको जी टैक्स भी पढ़ाएंगे, और इस तरह ऑडिट और कुछ और सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे होंगे, ठीक है जी, लॉ पढ़ा रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे अज्यूमिंग कि आपने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए। बल्कि इट माइट इंटरेस्ट यू टू नो कि जो अप्रोक्सीमेटली 90-95% स्टूडेंट्स ऑफ जो होते हैं इन द क्लास, उन्होंने अकाउंटिंग पहले कभी नहीं पढ़ी होती और वो बड़े सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये बिल्कुल मिथ है कि जी सीए करने के लिए या इवन एसीसीए करने के लिए आपको अकाउंटिंग ए लेवल्स में या इंटरमीडिएट में या बी कॉम के थ्रू आपने पहले अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो फिर ही आपसे सीए होगा। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू एज वेल, ठीक है जी। आपको जब भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कॉलेज के अंदर, ऐसे पढ़ाया जाएगा अज्यूमिंग, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से बिल्डअप करेंगे और फिर आपको आगे लेके आएंगे। ये जी एक सेकेंड मिथ थी और सेकेंड मिसकंसेप्शन था जो हमने कहा आपके साथ हम शेयर करें। थर्ड मिथ जी, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है जी, मिथ नंबर थ्री वो ये है कि जी पाकिस्तान से बाहर ये जो सीए की क्वालिफिकेशन है
ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो सीए की क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान से बाहर, इट इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड क्वालिफिकेशन, इसकी बड़ी डिमांड है। बल्कि इट माइट ऑल्सो इंटरेस्ट यू टू नो कि हमारे पास अभी जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आउट ऑफ कंट्री हैं, अब्रॉड हैं। सीए के काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जब वो क्वालिफाई करते हैं उनमें से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मिडिल ईस्ट जाते हैं, उनमें से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, ठीक है जी, और डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये बाकी इन सारे कंट्रीज में एक्सेप्टेड है, बल्कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को तो जब उनका सीए कंप्लीट होता है तो पाकिस्तान में ही होते हैं, उनको कॉल्स आती हैं बाहर कंपनी से कि आप आए जी, आपने सीए किया है, सीए पाकिस्तान से आपने सीए किया है, बड़ी आपने प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, तो आए आप हमें ज्वाइन करें। और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा जाते भी हैं। तो सीए इट इज अ क्वालिफिकेशन दैट इज एक्सेप्टेड एंड रिकग्नाइज्ड, जो सीए पाकिस्तान है इट इज एक्सेप्टेड एंड रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको इंशाल्लाह इसकी इसकी वजह से बड़ी अच्छी मोबिलिटी मिलती है, ठीक है जी। मैंने खुद बल्कि मैं इंग्लैंड में था राउंड अबाउट, मैंने वहाँ पे 5 6 साल काम किया है और मैंने वहाँ पे खुद देखा है कि बड़े पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो वहाँ पे आके काम कर रहे हैं। तो दिस इज अ मिथ कि जी जो सीए की क्वालिफिकेशन है वो खाली पाकिस्तान में एक्सेप्ट होती है और बाहर कहीं एक्सेप्ट नहीं होती। मिथ नंबर 4 जी, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, कि जी जब आप सीए स्टार्ट कर दें तो सीए की पढ़ाई करते हुए आपकी जी जो जिंदगी है, जो सोशल लाइफ है, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है। अगेन दिस इज अ मिथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जो सीए स्टूडेंट या जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसकी कोई सोशल लाइफ ना हो, जिसकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना हो, वो एक कंप्लीट ना सीए स्टूडेंट है ना वो एक कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ जी, पढ़ना पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन पढ़ने के साथ साथ टू बी ए सक्सेसफुल स्टूडेंट, टू बी ए सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके पास एक सोशल लाइफ होनी चाहिए, आपके पास दोस्त होने चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है जी। आपके पास एक कोई अपने जो शौक हैं, आपको कोई शौक हो सकता है बुक रीडिंग का, ट्रैवलिंग का, स्पोर्ट्स का, वो सारे शौक आप पूरे करें ताकि आपकी एक पर्सनैलिटी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी बने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सीए की पढ़ाई आप स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल जो है सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। हाँ जी, इसमें ज़रूर आपको बैलेंस रखना पड़ता है, आपको पढ़ाई के वक्त पढ़ाई बैलेंस रखना पड़ता है, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और एंजॉयमेंट के टाइम एंजॉयमेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आपकी क्लासेस 3 आवर्स की हैं या 4 आवर्स की हैं पर डे, तो जो बाकी दिन के अंदर घंटे हैं जिसमें आप ले लें कि 12 घंटे हैं, 14 घंटे, नींद के अलावा जितने भी आपके घंटे हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ रहे होंगे। हम इसमें से आपको जरूर रेकमेंड करते हैं टू बी ए गुड स्टूडेंट, टू बी ए गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप इसमें से जरूर 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, बाकी जो 8 to 10 आवर्स हैं उसमें रिलैक्स करें, इंजॉय करें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपनी हॉबीज के साथ, एक्सरसाइज करें, स्पोर्ट्स करें, गेम्स करें, ठीक है जी, को करिकुलर एक्टिविटीज करें, डिबेट का शौक है उस पर प्रैक्टिस करें। तो दिस इज अ कंप्लीट मिथ के जी सीए के अंदर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। हाँ जी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीए के अंदर आपको पढ़ाई रेगुलरली करनी पड़ती है, आपको रोज का काम रोज करना पड़ता है, और आपने अगर 2 घंटे बैठे हैं पढ़ने के लिए तो आपने उस 2 घंटे में पढ़ना है। आपने ये नहीं कि 2 घंटे के अंदर आपके साथ फेसबुक भी चल रहा है, साथ ट्विटर भी चल रहा है, अब तो साथ साथ टिकटॉक भी स्टार्ट हो गया है, तो अब ये सारी चीजें नहीं होती। यहाँ पे आपने उन 2 घंटों पे फोकस करके पढ़ना है, बाकी का टाइम आप इंजॉय करें। तो ये जी एक मिथ है कि जी हम सीए करने जब स्टार्ट करेंगे तो खाली हम पढ़ते रहेंगे और बस पढ़ाई 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 होगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका डिसिप्लिन कितना है और बैलेंस कितना। और जी मिथ नंबर 5 वो ये है कि जो सीए है ये खाली एक क्वालिफिकेशन है अराउंड नंबर्स, ठीक है, ये खाली एक नंबर्स की क्वालिफिकेशन है। जैसे कि आपने एक वीडियो में अभी देखा होगा, इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये बताया कि सीए के अंदर डेफिनेटली जी अकाउंटिंग होती है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी और बड़े सब्जेक्ट्स हैं जी, टैक्स का सब्जेक्ट है, ऑडिट का सब्जेक्ट है,
इसके अंदर आपके साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आईटी भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर लॉ भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ होते हैं, सीए में आपको पढ़ाए जाते हैं। एंड सीए में जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपके पास बड़ी ऑप्शंस होती हैं। आपने फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस में जाएं, आपने टैक्स में जाना है, आप टैक्स में जाएं, आपने अपना बिजनेस सेटअप करना है, आप अपना बिजनेस सेटअप करें। आपको आपने अप्लाई करना है कि आप बिजनेस रनिंग पोजिशन में आए, सीईओ पोजिशन में आए, बिजनेस मैनेजर पोजिशन में आए, क्योंकि ये इतनी डाइवर्स क्वालिफिकेशन है कि इसके अंदर आपको टैक्स भी मिलेगा, ऑडिट भी मिलेगा, अकाउंटिंग भी मिलेगा और साथ बिजनेस मैनेजमेंट भी मिलेगी। तो काफी ज्यादा कंपनीज हैं इन पाकिस्तान, इनके सीएफओ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं लेकिन सीईओ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि जी खाली आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो खाली ये नंबर्स नंबर्स पे लगे हुए हैं, एक्सेल की स्प्रेडशीट्स पे लगे हुए हैं। इसके अंदर इक्वली आपसे रिक्वायर किया जाता है कि जी बिजनेस के डिसीजंस कैसे लेने हैं, ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बिजनेस के डिसीजंस आपने कैसे लेने हैं, बिजनेस चलाना कैसे है, ठीक है, प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ व्हाट यू विल स्टडी इन सीए। और बाकी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें इक्विप करेंगे, विच इज वाई इतने ज्यादा जो मेजर सीईओज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सीईओज पोजिशन। तो ये जी पांच कुछ मिसकंसेप्शंस थी, कुछ मिथ्स थी अबाउट सीए। मैंने कहा कि जी आज आपके साथ इसको जरा क्लैरिफाई करें। तो इसके अलावा भी जी कोई क्वेश्चंस हो आप जरूर कमेंट्स में हमसे पूछें और हम उनको आंसर करेंगे। हमारी टीम की भी यहाँ पे डिटेल्स होंगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी आप वेबसाइट या फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो टॉक टू यू मोर अबाउट दिस। तो बाकी जी इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और इंशाल्लाह फिर वी विल बी टॉकिंग सून। थैंक यू वेरी मच।